हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। अभी आप लोग हमको देख रहे हो कुछ इस तरीके से, और वो भी हम लोग हैं अभी अमित किट्टो के घर, क्योंकि इसके पिछले वाले दिन काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग पहुँचने में। तो हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे, और जैसे ही घर पहुँचे तो पता चला कि शिवरात्रि है। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार का जो शिवरात्रि है ना, इसमें जो पूजा पाठ किया जाता है बहुत ही शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने सोचा कि इस बार मैं भी करूँगी। क्योंकि अमित भाई कर रहे थे, हमने सोचा कि नहीं हम भी कर लेंगे अपना, क्योंकि साथ साथ हो भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने ना शिव जी का जो होता है पार्थिव, वो हमने बनाया हुआ था अपने हाथों से मिट्टी लाकर। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। और जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनका उनका जो होता है ना शो आता है, वो हम लोग देख के पूजा कर रहे थे। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने थाली को सजाया था, क्योंकि थाली में 108 चावल के दाने, जो धान होता है वो सारा कुछ काउंट करके, सामी के जो पत्ता होता है वो साथ होता है, तो वो सारा कुछ ना जितना जैसे जैसे बताया गया था हम लोगों ने वैसे वैसे रखा हुआ था। और यहाँ पे अंशु भी है और शुभम बाबू भी हैं, और ये भी खड़े हुए थे। हम बोले चलो भाई कर लेंगे। आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आरती करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग टीवी में, यहाँ भी आरती ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इतने दिनों के बाद ना, जब आप पूजा करते हो तो अच्छा लगता है। अभी हम बाला वाले घर पर हम सोचे कि इस बार जब भी पूजा पाठ हो जाएगा तो बहुत फील होता है, क्योंकि सावन का जो पूजा होता है ना वो बहुत शुभ माना जाता है। और वैसे भी हम अभी सावन का सोमवारी फास्ट रह रहे हैं, अभी तक हमारा भी दो सोमवारी हो गया, तीसरा सोमवारी भी आएगा तो वही हम फास्ट रह रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबको, और अपना पूजा पाठ भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था इतने दिनों के बाद, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सब कुछ जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम लोगों ने तैयारी करी, और वैसे वैसे हम लोगों ने पूजा पाठ भी किया, तो अच्छा लग रहा है। दुख तकलीफ को दूर करना, कष्ट दूर करना, आपकी कृपा पूरे विश्व में, पूरे देश में, आपकी करुणा पूरे विश्व पर बनाकर रखना, सभी को अन धन लक्ष्मी वृद्धि करना, सुख समृद्धि देना, कार्य सिद्धि देना और सबके हृदय के मनोरथ पूर्ण करना। आज हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है बाबा। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर हमने शिवरात्रि का जो पूजन प्रथम पर किया है, आप कृपा बनाए रखना, हमारे पर करुणा करना, आपकी पूजन
सारे परिवार के साथ, सारे कुटुंब के साथ, सारे परिवार, सारे कुटुंब और परिवार के साथ में, पूरे देशवासियों के साथ में, इसी तरह से बाबा देवाधिदेव महादेव सबके साथ मिलकर शिव पूजन करते रहें, ऐसी करुणा बनाकर रखना, अखंड सौभाग्य देना, समृद्धि देना, वैभव देना, यश देना, सबके झोली में, जैसा आप और हम पूर्व से कहते आए हैं कि किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा आपकी बनाकर रखना, सारे संपूर्ण विश्व का कल्याण करना, सबके अंधन भंडार बनना। हर हर श्री शिवाय नमस्तुते। हम का जाप 2 मिनट का, उसके बाद में फिर बाबा का विसर्जन स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय षडाक्षर मंत्र बाजा। ओम नमः फिर वो लेके आए होते सब वाला।